नमस्कार, निशा राठौर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बटर मसाला भुट्टा बनाएंगे। भुट्टे तो आपने कई तरीके से खाए होंगे, लेकिन बटर मसाला भुट्टा बहुत लाजवाब लगता है। और इसे आज प्रेशर कुकर में बनाएंगे। ना लकड़ी ना कोयले की ज़रूरत है, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 3 भुट्टे। ये हमने फ्रेश एकदम से ताज़े भुट्टे लिए हैं। नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नींबू, बटर और सिल्वर फॉइल। तो सबसे पहले हम भुट्टों में बटर लगाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से हम बटर लगा लेते हैं। इसी तरह से हम बटर लगाकर सारे भुट्टे तैयार कर लेते हैं। तो हमने सारे भुट्टे बटर लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे सिल्वर फॉइल में इस तरीके से रैप करेंगे। इस तरीके से कवर कर देंगे इसे। दूसरा भुट्टा भी इसी तरीके से कवर कर लेंगे। तो सारे भुट्टे हमने इस तरीके से रैप करके रख लिए हैं। अब हम कुकर को गर्म होने के लिए रखेंगे। कुकर हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें से हमने सीटी भी निकाल दी है, इसकी रबड़ भी निकाल दी है। इसके बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे। तो कुकर को हल्का सा गर्म होने देते हैं। तो कुकर हमारा हल्का गर्म हो चुका है। तो अब सारे भुट्टे हम इसमें डाल देंगे। अगर भुट्टा बड़े साइज़ का है तो उसमें 2 टुकड़े करके आप सिल्वर फॉइल में रैप करके इसमें रख सकते हैं। हमारे भुट्टे ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं हैं, तो इसलिए हमने इसे सिंगल ही रैप करके रखा। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 20 मिनट तक पकने देंगे। और बीच बीच में इसे सेक करते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से भुन जाए। तो हमारे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। कुकर को खोल कर हम भुट्टे को चेक करेंगे। भुट्टे को थोड़ी सी सावधानी से निकालना है क्योंकि इस टाइम ये बहुत गर्म है। अब सिल्वर फॉइल को हम हटाएंगे। इससे बहुत अच्छी बटर की खुशबू आ रही है। भुट्टे भी हमारे बहुत अच्छे से बुनकर तैयार हो गए हैं और ये जले भी नहीं है बिल्कुल। तो हमारे सारे भुट्टे बहुत अच्छे बुनकर तैयार हुए हैं। अब हम इनके ऊपर मसाला लगाएंगे। तो इसका मसाला हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है हमने नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये मसाला हम नींबू के ऊपर लगाएंगे और इस तरीके से सारे भुट्टों में लगाकर तैयार करेंगे। हमारे बहुत स्वादिष्ट बटर मसाला भुट्टा बनकर तैयार हैं। आप इन्हें खाइए और अपने अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं स्वादिष्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।